वेलकम टू ग्लो सम्स ऑफ हैप्पीनेस एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। टाइम हो रही है 9 o'clock और आज जो है आज है फ्राइडे। तो जस्ट मैं अभी नहा धो के आई हूँ, घर का जो सारा काम है वो मैं कर चुकी हूँ, क्योंकि सोच रही थी कि सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट करूँ, बट रोज का क्या काम आप लोगों के साथ शेयर करूँ, वही झाड़ू पोछा बर्तन ये सब मैं कर रही थी, बट बर्तन को क्लीन नहीं किया है क्योंकि पानी का टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई है, तो इसकी वजह से मुझे टैप से पानी लेकर फिर से उसको धोना पड़ेगा, क्योंकि 4 दिन से मेरा जो तबीयत है बहुत ज्यादा खराब है। कोल्ड की वजह से गले में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और अंजल को भी कोल्ड हो गया था, तो इसकी वजह से ये सारे चक्कर में ब्लॉग ठीक से नहीं बना पा रही थी। आप लोगों के साथ जो भी शेयर कर रही थी, डिनर रूटीन, लंच रूटीन, ये सब थोड़ा थोड़ा करके ही शेयर कर रही थी, क्योंकि कम्प्लीट ब्लॉग बनाने का हिम्मत मेरा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तबीयत जब खराब हो जाता है ना, कुछ भी काम करने के लिए मन नहीं होता है, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था, बट आज मैं बहुत ज्यादा बेटर फील कर रही हूँ। तो सारा घर को मैंने क्लीन कर चुकी हूँ, यहाँ पर मैं बालकनी में हूँ, बालकनी बहुत ज्यादा गंदा हो गया था, क्योंकि जब बारिश होता है तो पौधों से मिट्टी बालकनी में आ जाता है और पूरा घर मिट्टी मिट्टी हो जाता है, तो हमेशा दिन छोड़ के एक दिन जो है बालकनी को क्लीन करना पड़ता है, बट लास्ट 2-3 दिनों से मैंने बिल्कुल भी क्लीन नहीं किया था, क्योंकि पानी की वजह से ही ये सब हालत हुआ था, तो पानी से थोड़ा सा मैंने ब्रेक ले लिया था, तो पानी आज सारा जो बालकनी को साफ कर दिया है और घर को भी आज ही मोपिंग किया है, क्योंकि काफी दिनों से, आई थिंक 3-4 दिन तो हो गया है मैंने मोपिंग नहीं किया था, क्योंकि हम लोग नीचे ही चलते हैं, बिना चप्पल से चलते हैं, तो इसकी वजह से ठंड लगने का जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा रहता है। अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं स्लीपर क्यों नहीं पहनती हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है और मुझे भी बिल्कुल भी कम्फर्टेबल नहीं लगता है कि घर में इस तरह से स्लीपर पहन के घूमूं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और यही आदत मैं अंजल को भी सिखा रही हूँ, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा अनकम्फर्टेबल फील करती है जब घर में ही चप्पल पहन के इस तरह से घूमे, बट उसको मैं सख्त पहना देती हूँ ठंड से बचने के लिए। तो यहाँ पर एक लॉन्ड्री का जो मेरा ट्रिप था वो हो चुकी है, बट अभी भी काफी सारा ड्रेस यहाँ पर ही है ये लॉन्ड्री बास्केट में, बट बाहर बिल्कुल भी धूप नहीं है। 9 ऊपर हो गया है टाइम, बट क्लाइमेट जो है बिल्कुल भी क्लाउडी क्लाउडी होके रखा है, तो अभी जस्ट में सारा जो मेरा लेमन वाटर था वो सब लिया है, लेमन वाटर तो नहीं, एप्पल साइडर विनेगर और वाटर, वही मैं आजकल पीती हूँ और मुझे बहुत ज्यादा काफी अच्छा रिजल्ट भी दिया है, तो वही मैंने पिया है। और उसके बाद मैं अभी जाऊंगी पूजा करने के लिए, पूजा करने के बाद एंजल को उठाऊंगी, उठाने के बाद उसको ब्रेकफास्ट भी खिलाना है, क्योंकि ऑलमोस्ट वो जब उठेगी तो 9:30, 9:45 इस तरह से हो जाता है, सुबह मैंने उसको दूध दे दिया था। तो चलिए फिर से काम पे लग जाते हैं, और आज मैंने डिसाइड किया है आज पूरा दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो चलिए। तो यहाँ पर आप लोगों के साथ बात करने के बाद मैंने एंजल को यहाँ पर उठा रही हूँ, और उठने के बाद ही उसको थोड़ा सा ब्रश ब्रश करा के यहाँ पर मैं लेके आ जाती हूँ ड्राइंग रूम में, क्योंकि एक बार वो बैठ गई ना तो बिल्कुल भी ब्रश वगैरह नहीं करती है, तो उठने के बाद ही तुरंत मैं उसको वॉशरूम ले जाती हूँ, उसको मुंह को अच्छे से धुल मीन्स सिर्फ नॉर्मल पानी से एक बार वाइप कर देती हूँ, ब्रश वगैरह कर लेती हूँ, और फेस थोड़ा सा उसको फील होने के लिए थोड़ा सा कूम कर लेती हूँ, कभी कभी मैं तेल उसको मालिश करती हूँ, और जो भी थोड़ा सा जो बेबी पाउडर है उसको थोड़ा सा अंडर आर्म्स एरिया पर, थोड़ा सा नेक एरिया पर ये लगा देती हूँ, और उसका जो फेस क्रीम है उसको फेस में लगा देती हूँ, और ये सारा प्रोसेस करने के बाद वो बहुत ज़्यादा फ्री हो जाता है और अच्छे से खाना खा लेती है, नहीं तो ये अगर मैं बिल्कुल भी प्रोसेस नहीं फॉलो करूँगी तो वो बिल्कुल भी नहीं खाती है, और खाने के लिए बहुत ज़्यादा नखरा दिखाती है। इस तरह से तो नॉर्मली उसका जो खाने का टाइम है वो 45 मिनट्स टू अराउंड 1 आवर तो लग ही जाता है, बट फिर भी कोशिश करती हूँ थोड़ा सा उसको जल्दी खिलाने के लिए, क्योंकि अगर इस तरह से खाती रहेगी तो पूरा दिन निकल जाता है मेरा इसके चक्कर में ही, 3-4 बार जो उसको खिलाती हूँ तो उसके चक्कर में ही निकल जाता है, तो आजकल वो थोड़ा थोड़ा करके खुद से खाती है, और उसका जो सारा टेस्ट है मैंने पूरा चेंज कर दिया है, आप नहीं करेंगे। जो मैंने एक अंजल का डाइट रूटीन वाला वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, जो सारा डाइट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था उसको अभी बिल्कुल भी नहीं फॉलो कर रही हूँ, उसका जो सारा मेन चीज़ें हैं वो पूरा अलग हो गई है। तो यहाँ पर लोग आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैं अंजल के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, ब्रेकफास्ट में आजकल वो बहुत ज़्यादा पसंद करती है कॉर्नफ्लेक्स, चोकोस ये सारा पसंद करती है, तो चोकोस में कभी कभी इवनिंग में देती हूँ, हमेशा मीन्स
रिक्वेस्ट मैं नहीं देती हूँ, बट आजकल ओट्स वगैरह बहुत ज़्यादा खाती है और ये जो कॉर्नफ्लेक्स से अच्छे से खाती है, तो ये जो कॉर्नफ्लेक्स है ये पतंजलि का मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, मुझे थोड़ा सा ऑर्गेनिक लगता है। तो कॉर्नफ्लेक्स को थोड़ा सा बड़ा बड़ा होता है, तो उसको थोड़ा सा हाथों में इस तरह से ब्रेक कर देती हूँ, तो छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाता है। और ये जो पाउडर मैं मिक्स कर रही हूँ ये मेरा होममेड आप सीरियल बोल सकते हैं। इसमें मैंने चना दाल और चिवड़ा और जो फ्राइड वाला चना दाल आता है, थोड़ा सा मूंग दाल, इसको फ्राई करके बनाया है। बहुत ज़्यादा हल्दी होता है उसमें, मैंने ड्राई फ्रूट्स भी डाला है। तो कॉर्नफ्लेक्स के साथ अगर मिला देती हूँ तो थोड़ा सा वो ठीक हो जाता है, और मिल्क डाल देती हूँ। आप चाहे तो इसमें, आप अगर बच्चे बनाना वगैरह खाते हैं या एप्पल्स वगैरह खाते हैं तो आप डाल सकते हैं। मैं कभी कभी एप्पल प्यूरी बना के डालती हूँ, बट बनाना अंजल को इस तरह से कॉर्नफ्लेक्स में खाना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने बनाना कभी नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पर अभी ये मेरा प्रोसेस है अंजल को खिलाना, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत मीन्स बहुत लोगों ने मुझे पूछ रहे थे कि मैं एंजल को किस तरह से खिलाती हूँ, एंजल कितना टाइम लेता है खाने के लिए। तो यही होता है आजकल उसका, सुबह का सोफे के ऊपर रहता है, फिर लंच बेडरूम में करती है, फिर डिनर भी बेडरूम में करती है अपने पापा के साथ। बट अभी हस्बैंड ऑलरेडी ऑफिस के लिए रेडी हो चुके हैं, तो इसकी वजह से मैं अभी उसको बिल्कुल भी मीन्स उसके पापा के साथ नहीं रहना देती हूँ, नहीं तो पूरा दिन पापा के साथ ही खेलती है और खाने का बिल्कुल भी नाम ही नहीं लेती है। तो यहाँ पर मैंने उसको टीवी ऑन कर दिया है और उसके साथ मोबाइल को कनेक्ट कर देती हूँ, तो मोबाइल पे जो भी राइम्स वगैरह वो लगाती है टीवी में प्ले हो जाती है डायरेक्टली। मैं मोबाइल बहुत ज़्यादा प्रिफर नहीं करती हूँ देना, क्योंकि आइस में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, तो इसकी वजह से मोबाइल को टीवी में कनेक्ट कर देती हूँ। उसके बाद एंजल अभी थोड़ी देर के लिए राइम्स को एंजॉय कर रही है, तो मैंने सोचा कि एंजल के लिए लंच भी बना लेते हैं। तो आज का जो रूटीन है ना बेसिकली एंजल के साथ है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एंजल का ये लंच। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर में मैं थोड़ा सा घी डाला है, घी के जगह मैं कभी कभी ऑयल भी डाल देती हूँ, आप चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जीरा डाला है, जिंजर को कूट के डाला है, और थोड़ा सा गार्लिक भी मैंने यहाँ पर लिया है चॉप करके। उसके बाद बहुत सारा प्याज डाल दूंगी, टमाटर डाल दूंगी, सारी चीज़ों को अच्छे से आपको भूनना है जब तक टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। उसके बाद मैं क्या करूँगी, जो यहाँ पर मूंग दाल सो करके रखा है उसका दलिया की खिचड़ी बनाऊंगी। कभी कभी मैं जो खिचड़ी वगैरह होता है वो चेंज करती रहती हूँ, कभी कभी मूंग दाल डाल देती हूँ, कभी कभी सिर्फ मसूर दाल से बनाती हूँ, कभी कभी मिक्स वाला जो दलिया आता है वो यूज़ करती हूँ। बहुत सारा इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, कभी आप पालक भी डाल सकते हैं, पालक डालने से भी बहुत ज़्यादा मीन्स बहुत ज़्यादा रिच हो जाता है टेस्ट में। तो यहाँ पर ये सारा प्रोसेस करने के बाद मैं क्या करूँगी, उसमें से ये दलिया डाल दूँगी। ये जो दलिया मैंने पहले से ही क्लीन करके रखा है, तो मैं कभी भी इस तरह से मीन्स धो के दलिया को नहीं रखती हूँ, तो अच्छे से क्लीन कर दिया था, तो ये दलिया को डाल रही हूँ। उसके बाद ये हरा मूंग को मैंने भिगो के रखा था ओवरनाइट, उसको डाल रही हूँ। ये बहुत अच्छे से प्रोटीन इनमें होता है, मूंग दाल तो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है बच्चों लोगों के लिए। तो यहाँ पर हरा मूंग दाल को इस तरह से धो के डालती हूँ एक मुट्ठी। उसके बाद में तुअर दाल और थोड़ा सा मसूर दाल लिया है, उसको अच्छे से पानी में धोकर यहाँ पे डाल रही हूँ। ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। उसके बाद मैं डालूंगी सारे जो मसाले, मसाले में मैं जीरा पाउडर और धनिया पाउडर को एक साथ मिक्स करके ग्राइंड करके रखा है उसको डाल रही हूँ, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, और थोड़ा सा यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर मैंने डाला है, आप लोगों के साथ आई थिंक शेयर नहीं कर पाई। ब्लैक पेपर पाउडर जो होता है डाइजेस्ट सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और एक मीन्स थोड़ा सा तीखापन भी आ जाता है, तो बच्चे लोगों के लिए टेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ब्लैक पेपर पाउडर मैंने डाला है, नमक डाल दिया है, पानी डाल दिया है, बस अभी इसको मीडियम फ्लेम में 3 से 4 सीटी तक लगाऊंगी, तो ये जो दलिया की खिचड़ी है वो रेडी हो जाएगा। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो टाइम हो रही है 5:30 आई थिंक हो रही है। एंजल अभी जस्ट सो के उठी है और मैं अपना काम खत्म करके आई हूँ, जो भी
लैपटॉप के साथ काम होता है वो सब खत्म करके आई हूँ और थोड़ा अभी फ्रेश हुई हूँ, बट सुबह से अभी तक कोम नहीं किया है तो जस्ट इग्नोर इट, क्योंकि मुझे घर में रहते हुए इस तरह से कोम करना, चोटी बनाना ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। मैं हमेशा बन ही बना देती हूँ। और ये रही मेरी क्यूट सी एंजल मामा, से हाय। हाय। तो बाहर का जो क्लाइमेट है आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा होके रखा है और पूरा दूर तक ग्रीनरी ग्रीनरी ही लग रहा है। और ये जो मैंने आप लोगों को दिखाया, ये छोटे 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 पेड़ आप लोगों को दिख रहा होगा ना, ये आई थिंक 1.5 महीना पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि सारे जो पेड़ है वो कट हो रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है। बट जिस तरह से बारिश यहाँ पर होता है ना, तो वो जो इक्लिप्स का जो पेड़ होता है वो फिर से ग्रो करता है। तो अराउंड 4 फीट का, हाँ 3-4 फीट का हो गया है। तो 3-4 फीट का ऑलमोस्ट हो गया है, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और बाहर थोड़ा थोड़ा हवा चल रहा है, बट मैं आजकल इतना बालकनी में नहीं आ पाती हूँ क्योंकि कोल्ड की वजह से यहाँ पर इतना ज्यादा कोल्ड रहता है। और दूर से ना कंस्ट्रक्शन का आवाज थोड़ा थोड़ा आपको सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर विला ही बन रहा है, तो इसकी वजह से सारे दिन पूरा कंस्ट्रक्शन का काम ही लगा रहता है। तो विला बनने के बाद ये जो व्यू है थोड़ा सा कट हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को दिख सकता है थोड़ा सा मिट्टी मिट्टी और व्हाइट कलर का सीमेंट रोड दिख रहा है, वहां पर विला बन रहा है, तो थोड़ा सा विला का व्यू भी आएगा। तो ये है मेरे छोटे से मेहमान, जो काफी दिनों से मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था। ये जो ब्लैक कलर का मिर्च था ये पूरा मर गया है, पता नहीं क्यों, यहाँ पर बहुत सारे कीड़े लग गया है। मेरी ही गलती है कि मुझे मेडिसिन डालना था टाइम पर, बट मैं नहीं डाल पाई थी, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा इस तरह से मुरझा गया है। तो देखती हूँ अगर हो सके तो डालूंगी। और आजकल मीन्स मेरे ये बालकनी में और दूसरे बालकनी में सिर्फ तुलसी का ही पौधा है, बहुत सारे तुलसी का पौधा, इतना सारा है कि आई थिंक 1000 से तो कम ही नहीं होगा, इतना सारा तुलसी का पौधा है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये एक तुलसी का है, यहाँ पर छोटे छोटे आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पे ये सारे तुलसी का प्लांट है। ये तो सेवंती का है, ये स्नेक का है, जो स्नेक्स प्लांट हम लोगों ने अडॉप्ट किए थे, आई थिंक कितना हुआ, 4 या 5 कुछ हुआ है, यहाँ पर 3 लगा हुआ है। इसको मैं अभी पेंट करूँगी, पेंट करने के बाद घर में रखूँगी। ये एक है और यहाँ पर भी एक है, इसको मैं बाहर रखूँगी। तो इस तरह से 4 या 5 हुआ है। ये एक ओनियन था जो ख़राब हो गया था, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पर आगे रख दिया है, तो ये ओनियन स्प्रिंग ओनियन भी हो गया है। यहाँ पर तो आप लोग देख सकते हैं मिर्च हुआ है, बहुत सारे मिर्च, 2-4 हुआ है, एक यहाँ पर छोटा सा 5 हुआ है। ये है ब्राह्मी का, बहुत सारे मीन्स इतना छोटा सा ब्राह्मी का मैंने पौधा लेके आई थी, बट फिर भी ये बहुत सारा हो गया है। ये है मिर्च का, मिर्च है तो बहुत सारे कुछ पौधे हो गया है। ये है रोज का, रोज का अभी तक कली नहीं आया है, पता नहीं कब आएगा। तो इस तरह से ही जब प्लांट को देखती हूँ तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ओके कम। तो यही सब अभी देख के ना थोड़ा सा एंजॉय कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी थोड़ा सा गार्डन का टूर दे देती हूँ। और अभी का अपडेट आप काफी दिनों से पूछ रहे थे कि दी आप आजकल गार्डन नहीं दिखाते हो, आपके पौधे के बारे में नहीं बताते हो। तो बीच में क्या हुआ था, मैं हर वक्त हर टाइम पर मेरे ब्लॉग्स में पौधे के बारे में बताती रहती थी, तो आप सभी लोग थोड़ा सा बोर हो गए थे, तो इसकी वजह से मैंने थोड़ा सा बंद कर दिया है। बट अभी फिर से मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये भी स्नेक प्लांट है जो कि अडॉप्ट किया था, उसमें से ही एक है, ये होम टाउन वाला स्नेक प्लांट है। तो यही सब अभी अपडेट है प्लांट का, बट काफी दिनों के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बट 2-3 दिन के अंदर मैं ये सारे खाली करूंगी, क्योंकि बहुत सारे इस तरह से कुछ पौधे हैं जो कि बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनमें कुछ भी फर्टिलाइजर वगैरह नहीं है, मिट्टी का जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा मीन्स डाउन हो चुकी है, मीन्स जो क्वालिटी इतना ज्यादा रहता है ना, जो सार होता है वो खत्म हो चुकी है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा खाद वगैरह देना पड़ेगा, उसके बाद जो सारे पौधे हैं वो फिर से ग्रो होगा। तो लंच मैंने आज सिंपल रखा था, जीरा राइस रखा था और दाल फ्राई रखा था, बट मुझे दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कल रात
मैंने राजमा बनाया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था सिंपल वाला। कल मेरा बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं था तो पूरी वीडियो मैंने वॉइस ओवर ही दिया है। अभी भी बहुत जोर से खांसी कफ ये सब है, तो चलिए मैं ज़्यादा यहाँ पर रुकूंगी तो फिर से खांसी आएगा, क्योंकि बाहर देख सकते हैं कितना हवा चल रहा है, यहाँ पर ही पता चल जाता है आपको। तो चलिए बाद में बात करती हूँ, अभी जाऊंगी थोड़ा सा पूजा की तैयारी करूंगी, क्योंकि शाम के टाइम पर घर थोड़ा सा साफ करना पड़ता है। आंजल की जो सारे टॉयस इधर उधर होके पड़ता है उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, एक बार झाड़ू करना होता है, तो ये सब करूंगी। और देखती हूँ अगर कुछ खाने के लिए बनाऊंगी स्नैक्स में तो आप लोगों के साथ पक्का शेयर करूंगी। तो चलिए बाद में बात करती हूँ। तो यहाँ पर जिस तरह से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, कुछ अगर बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ पक्का शेयर करूंगी। तो आज थोड़ा सा मौसम जो है क्लाउडी क्लाउडी होके रखा था, बहुत ज़्यादा ठंडा था बाहर, तो हस्बैंड का डिमांड था कि आज जो प्याज का पकौड़ा बना जाए, बट मैं आज बिल्कुल भी प्याज के पकौड़े नहीं बनाऊंगी, उसके अलग एक शेप दे के बनाऊंगी, जो थोड़ा सा मीन छोटे छोटे बॉल्स टाइप का होता है उस तरह से बनाऊंगी, आप लोगों के साथ आगे शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे प्याज को इस तरह से मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है, उसके बाद मैं डालूंगी चॉप किया हुआ ग्रीन चिली और उसके साथ बहुत सारा करी लीव्स यहाँ पर डाल रही हूँ। ग्रीन चिली आप ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, मैंने थोड़ा सा कम ही लिया है क्योंकि मेरे पास जो ग्रीन चिली है वो बहुत ज़्यादा तीखा है। उसके बाद यहाँ पर बेसन डाल रही हूँ, बेसन में थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी क्योंकि मुझे इतना मीन्स क्वान्टिटी थोड़ा सा ज़्यादा बनाना था, तो इसकी वजह से मैंने बिल्कुल भी ज़्यादा अगर डाल दूंगी तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, अगर कम डालूंगी तो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालूंगी। अभी ड्राई स्पाइसेस मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, बस उतना ही डालूंगी और अच्छे से एक बार मिक्स कर दूंगी। उसके बाद मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी और नमक, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। इसमें मैंने राइस जो पाउडर है, जो चावल का आटा है, उसको नहीं यूज़ कर रही हूँ। अगर आप प्याज के पकौड़े बनाते हैं तो आप थोड़ा सा राइस जो राइस फ्लोर को यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा अलग टाइप का बना रही हूँ, उसको एक्चुअली क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं है, तो अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी जब तक ये एक अच्छे से डो की तरह बन जाए, डो से थोड़ा सा सॉफ्ट बनता है ये डो, तो आप नहीं भूल सकते, बट थोड़ा सा सॉफ्ट जब बन जाए तब मैं इसको अच्छे से मीन्स 5 to 7 मिनट्स के लिए इस तरह से ही छोड़ दूंगी, ताकि प्याज के अंदर सारे जो मसाला है वो पूरा अंदर चला जाए। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था बेसन, तो इसकी वजह से मैं और थोड़ा सा यहाँ पर डाल रही हूँ। तो आप भी जब भी ये रेसिपी को ट्राई कीजिएगा तो थोड़ा थोड़ा करके ही बेसन डालिएगा, तो इस तरह से क्या होता है एग्जैक्ट क्वांटिटी मीन्स एग्जैक्ट जो मिक्सचर का टेक्सचर है वो आ जाता है। एक बार अगर ज़्यादा या कम हो जाता है तो ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है खाने के लिए। तो यहाँ पर साइड बाई साइड 5 to 7 मिनट्स भी हो गया था, तो अभी मेरा तेल भी यहाँ पर गर्म हो चुका है, तो हाथों में इस तरह से मैं बॉल लिया है और एक छोटे से बॉल को अपने फिंगर टिप्स में इस तरह से प्रेस करते हुए यहाँ पर ऑयल में डाल रही हूँ। ये बिल्कुल भी पकौड़ी का टेस्ट देता है, बट थोड़ा सा अंदर जो है बेसन का इतना ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होता है, तो खाने के लिए और भी अच्छा लगता है, उसका टेस्ट एक अलग ही होता है। तो ये जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप इसको अच्छे से ऑयल से निकाल सकते हैं। तो ये जो है पकने के लिए अराउंड 7 मिनट्स तो ले ही जाता है, बट यहाँ पर मैं हाई फ्लेम में उसको तल रही हूँ। अगर आप लो या मीडियम फ्लेम में करेंगे तो ये ज़्यादा ऑयल जो है सूख कर देता है, तो इसकी वजह से ट्राई कीजिएगा हाई फ्लेम में तलने के लिए। अगर आपके पास छोटा सा कढ़ाई है या पतला सा कढ़ाई है तो आप मीडियम भी कर सकते हैं, क्योंकि नीचे से ये जल ना जाए। तो यहाँ पर एक मेरा होड हो गया था, तो यहाँ पर सेकेंड बेच में यहाँ पर डाल रही हूँ। तो इस तरह से मेरा स्नैक्स जो था वो बन के रेडी हो जाएगा, और उसके बाद मैं बनाऊँगी अंजल के लिए फ्रेंच फ्राइज, क्योंकि इसको अंजल को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं खाता है, तो इसकी वजह से मैं सोच रही हूँ कि अंजल के लिए कुछ अच्छा सा स्नैक्स बना दूँ, फ्रेंच फ्राइज की उसके लिए बेस्ट रहता है, इसकी वजह से मैंने उसके लिए फ्रेंच फ्राइज बना दूँगी।
तो यहाँ पर अभी है फैमिली टाइम, तो हस्बैंड यहाँ पर बैठे हैं, एंजल भी अपना फ्रेंच फ्राइज के साथ बैठ गई है। तो यहाँ पर मैं 3 पकौड़ा लिया है और उसके साथ मैं पीऊँगी ग्रीन टी। उस दिन भाई भी आया था, उसका थोड़ा सा काम था हस्बैंड के पास, तो वो भी एंजॉय कर रहा है स्नैक्स को। और बस ये सारा चीज़ हम लोगों ने खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट ले लिए थे, और डिनर जो है बहुत ज़्यादा लाइट था, तो इसकी वजह से यहाँ पर डिनर का जो सारा रूटीन था मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जो रेड कलर का बटन है उसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मैं मिलती हूँ और एक नया वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।